माय नेम इज़ अंकित वर्मा और आप देख रहे हैं कैम्प्स एंड फॉलोअर्स का लेक्चर 5। इस लेक्चर में हम साइक्लोडियल मोशंस पढ़ेंगे। फॉलोअर का मोशन पढ़ रहे हैं हम। हमने पिछले लेक्चर में सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा था फॉलोअर का, उसमें देखा था कैसे वेलोसिटी एक्सेलरेशन किस किस पॉइंट पर मैक्सिमम है, किस पॉइंट पर मिनिमम है, कहाँ पर जर्क आ रहा है, जर्क से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही, ये सब चीज़ें हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। हमने अब पढ़ना है साइक्लोडियल मोशन। साइक्लोडियल मोशन में क्या है? साइक्लोडियल से कुछ चीज पता लग रही है एक तरह से, कि ये जैसे हमने पढ़ा था गियर्स में भी साइक्लोडियल प्रोफाइल है। ये क्या है? एक तरह की प्रोफाइल है। साइक्लोडियल प्रोफाइल कैसे बनती है? जब आप एक सर्कल को रोल करते हैं एक स्ट्रेट लाइन पे, जब आप इसको रोल करोगे तो ये पॉइंट पी मान लो एक ऐसा लोकस ऑफ पॉइंट है। जब अब ये पॉइंट इधर, जब ये रोल करेगा तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, फिर ये इधर आ जाएगा, तो ये अलग अलग प्रोफाइल बनेगी। दोबारा समझते हैं। आप इस सर्कल को रोल करिए और एक पॉइंट फिक्स कर दीजिए, मतलब ये वाले पॉइंट को मान के चलिए। अब ये पॉइंट इधर है, ठीक है, फिर ये कुछ देर बाद पॉइंट इधर आएगा, फिर ये पॉइंट इधर आएगा, ये इधर आएगा, इधर आएगा। तो ये जो कर्व बनती है, कौन सी कर्व बनती है, या कह सकते हैं साइक्लोइडल प्रोफाइल बनती है। पहले तो यही पता होना चाहिए था। अब देखिए, हमें बनाना है फॉलोअर का मूवमेंट कैसे कैसे हो रहा है। देखिए, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, उसी सेम अप्रोच को लेके चलेंगे। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एच होता है। अब टाइम थोड़ा कम लगेगा क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने सब चीज डिफाइन कर दी थी, एच क्या होता है, थीटा क्या होता है, फाई क्या होता है ना। अच्छा, ये जो एंगल है, इस पे हम क्या बना के रखेंगे? एक जैसे इसमें बना रखा है एक सर्कल है, इसको इस स्ट्रेट लाइन के अबाउट रोल करेंगे। रोल करेंगे तो एक क्या बनेगी? हमारी प्रोफाइल बनेगी। एक क्या बनेगी? प्रोफाइल बनेगी। कौन सी प्रोफाइल बनेगी? साइक्लोडियल प्रोफाइल बनेगी। ओके, तो देखिए, इसको आपको क्या करना है, यहां पर एक सर्कल बनाना है। क्या बनाना है? एक सर्कल बनाना है, उसको भी सेम पार्ट्स में डिवाइड करना है, और इसको भी, इसको हमने मान लेते हैं 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और यहां पर बना दीजिए लाइन ऐसे। बुक में पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम भी लगेगा, है ना, समझ भी कम ही आएगा। आप ये वीडियो लेक्चर देखो, ठीक है, आपके सब चीजें क्लियर। अब इसको भी आपको क्या करना है, 8 पार्ट में ब्रेक कर दीजिए। तो यहां पर आप कहीं भी किसी भी पॉइंट को 0 मान लेते हैं, इसको 1, इसको 2, फिर इसको 3, इसको 4, ये 5, ये 6, ये 7, और यहीं पर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो हमें क्या करना है, 0 को 0 से जोड़ो, 1 को 1 से, 2 को 2 से, और सीधी लाइन क्या यहां से डायगनली हमने इसको ऐड करना है। तो सबसे पहली बात अगर हम देखें, 1 को देखते हैं, 1 कहां पर है? इधर है। 0 तो 0 इधर ही है, 1 इधर है। 2 किधर है? 2 कहां है? इधर है। बिल्कुल स्ट्रेट जोड़ना है, सेम लाइंस। 3 को यहां जोड़ना है, 4 को इस पे जोड़ना है, 5 को यहां जोड़ना है, ठीक है। फिर 6 किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा। और 7 किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा। तो किस तरह से कर्व बनेगी हमारी, वो बनानी इम्पोर्टेंट नहीं है। गेट के पेपर में ये सब चीजें नहीं आएगी। इंटरव्यू में एक चीज पूछ सकते हैं आपसे, कैसे बनाएंगे हम, तो किस तरीके से कर्व बनेगी हमारी। इस तरीके से कर्व बनेगी हमारी, ठीक है। 0 को 0 से, 1 को 1 से, 2 को 2 से जोड़िए, 3 को 3 से, ठीक है, डायगनली जोड़ना है। ओके, डायगनल्स बनाना है हमने। अब देखिए करना क्या है हमें, हमें ये प्रोफाइल पता लग गई, हमें ये जो डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू है इस प्रोफाइल में वो क्या आएगी, वो आपको याद रखनी पड़ेगी। साइक्लोडियल की प्रोफाइल को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, वो मेरे को भी याद है, आप भी लिखिए। ओके, -1/2 sin 2π थीटा / φ,
ये कर्व बनेगी एच की, याद हो जाएगा, एक दो बार आप न्यूमेरिकल करेंगे बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाएगा आपके ये। ऐसी कोई कोई टर्म पाई थीटा अपॉन फाई पीछे सिंपल हार्मोनिक में भी आ रही थी, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है इसे याद करना, ठीक है। ये आपकी आगे डिस्प्लेसमेंट की। अगर आपसे वेलोसिटी कोई पूछता है तो आपको क्या कर देना है, इसका डिफरेंशिएशन कर देना। वो क्या होता है, डी एस अपॉन डी टी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डी एस अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी, यही होगा। तो इसको आपको किसके टर्म्स में डिफरेंशिएशन कर देना है, थीटा के टर्म्स में। और डी ओमेगा, डी इसको क्या लिख सकते हैं, हम ओमेगा लिख सकते हैं। तो यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू सॉल्व करके कितनी आएगी, आप खुद करके देखें, मुझे याद है तो मैं इसमें डायरेक्ट लिख देता हूँ, 2π θ/φ। पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कैसे इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो ये वेलोसिटी की वैल्यू आई। अगर आपसे कोई पूछता है वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, अब आप देखिए मैक्सिमम कब होगी, जब ये पूरी वैल्यू कितने पे आएगी, थीटा इक्वल टू कितना होगा, क्योंकि ये जितना अब ये 1 से माइनस हो रही है वैल्यू, तो ये वैल्यू तो हमें जीरो करनी पड़ेगी, ये वाली वैल्यू तो जीरो करनी पड़ेगी। जीरो कब होगी, जब थीटा की वैल्यू आप कितना भर दोगे, 5/2। ओके, तो वो कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारी, वी मैक्सिमम कितने पे आ जाएगी, एट थीटा इक्वल्स टू 5/2 पे। थीटा इक्वल्स टू 5/2 पे आप रख के देख ले, थीटा की जगह 5/2, ठीक है। तो वो देखो यहाँ कोस पाई कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 -1 कितना हो जाएगा, +1। तो वो वी मैक्सिमम कितना आ जाएगा आपका, 2h ओमेगा अपॉन 5। इसलिए ये वैल्यू मैक्सिमम हमने निकाली। अगर आपको वैसे निकालनी है तो आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका, उसको जीरो भरिए, उसमें थीटा की वैल्यू निकालिए, तो किस पे आएगा, थीटा इक्वल्स टू 5/2 पे कितनी है वैल्यू आएगी, वी मैक्सिमम आएगी, ये निकाल दिया हमने। अगर आपसे अब कोई पूछता है एक्सिलरेशन क्या होगा, एक्सिलरेशन तो आप एक बार और इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए इस टर्म का, तो वो कितना आएगा, एक्सिलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, डीवी अपॉन क्या लिख देंगे, डीटी होता है, तो इसको डीवी अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी, इसको हम ओमेगा लिख देंगे। अब इसको एक बार ओमेगा थीटा के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्या आएगा वो वैल्यू कितनी आएगी, ये तो टाइम बचाने के लिए मैंने लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है। आप इसका डिफरेंशिएट करके देखें, यही आएगा, करके देख के सॉल्व करके, वीडियो को रोकें और खुद सॉल्व करें, ठीक है। अब ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब ये पूरी वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री, ये वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री, तभी होगा। तो देख लीजिए इसको 5/2 रख देते हैं इसकी वैल्यू को, तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/4 पे आपका एक्सिलरेशन क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। साथ साथ आप ये चीज नोट करें, थीटा इक्वल्स टू 5/4 पे एक्सिलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी आएगी, ये आएगी मैक्सिमम एक्सिलरेशन कितना आएगा, 2h π ω² / 5². बहुत बार क्वेश्चन आए हैं ईएस वगैरह में इसमें, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू हुई मैक्सिमम एक्सिलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, ये जो हमने 2h ω, बहुत बार क्वेश्चन है, डायरेक्ट याद करें आप। मतलब अगर कुछ याद नहीं आ रहा तो फिर ये याद रखें एक एस की इक्वेशन, फिर उसे ड्राइव करते रहें, लेकिन टाइम बचाने के लिए आपको सब चीजें पता होनी चाहिए। अब हम बनाते हैं इसका कर्व जल्दी से, ओके। जैसे हमने पिछले लेक्चर में डिस्प्लेसमेंट का कर्व बनाया था, वैसे ही बनेगा इसमें भी, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट का कर्व तो ऑलरेडी बनाना सीख चुके हैं ना कैसे बन रहा है, तो वो कर्व कैसे बनी है, इस तरह से कर्व बनी है हमारी। ये तो 0 20 डिग्री पे आया है, और ये 90 डिग्री, ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आई है हमारी। अब देखो वेलोसिटी यहां पर मैक्सिमम किस पे आ रही थी, अभी मैंने बताया था थीटा इक्वल्स टू 5/2 पे आ रही थी, थीटा इक्वल्स टू 5/2 पे आ रही थी। तो ये तो हमारा डिस्प्लेसमेंट का डायग्राम बना। अगर आपसे कोई वेलोसिटी का डायग्राम पूछता है, ये 90 डिग्री है, ये 160, ये लिखते रहे यार 270, 340 और ये 360 लास्ट वाला एंगल। तो इसका कर्व कैसे बनेगी, यहां तक बनेगी ये कर्व, ठीक है। फिर यहां पर ये भी कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं, और तो वेलोसिटी कुछ नहीं होगी,
ओके, और ये नीचे की साइड क्यू बनेगी, आप रख के देखें वैल्यू, थीटा की वैल्यू जब आप 200 से थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगी, साइन की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, तो ये वेलोसिटी का डायग्राम ऐसे बनेगा। और मैंने बताया था ये पूरा थीटा अगर हम माने, फाई सॉरी फाई ए, जब अब फाई की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 5/2 मतलब हाफ, तो आपका जो वेलोसिटी की वैल्यू जो आएगी मैक्सिमम आएगी, अभी हम जस्ट निकाल चुके हैं। ओके, और ये पूरा फाई है ना, क्योंकि हम यहां पर खाली इस डायग्राम की जो भी हमने अभी कर्व बनाई थी वहां पर हाफ पार्ट की बात कर रहे हैं, है ना। अगर हम एक्सिलरेशन की बात करें, एक्सिलरेशन कहां मैंने बताया था, 5/4 पे मैक्सिमम है, यही तो बताया था अभी जस्ट पीछे, आप चेक करें तो 5/2 तो यहां पर है, 5/4 कहां होगा, यही होगा, तो एक्सिलरेशन कैसे बनेगा हमारा, ऐसे बनेगा 5/4 है ये क्या पॉइंट है, 5/2, और ये किधर बनेगा, नेगेटिव में बनेगा, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी घट रही है तो एक्सीलरेशन भी नीचे आएगा, नेगेटिव आएगा, ये भी समझने का है तरीका, ठीक है। यहां पर कुछ वेलोसिटी नहीं तो एक्सीलरेशन भी 0, ठीक है। तो इसी तरीके से ये इस तरीके से बनेगा, अब यहां पर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सिलरेशन इंक्रीज होगा, यहां पर वेलोसिटी कम हो रही है तो इसलिए नीचे की साइड आ रहा है, ये एक्सिलरेशन का डायग्राम आ गया। अब मेन बात करते हैं जर्क की, जर्क यहां पर देखो, अगर हम बात करें एक्सिलरेशन की वैल्यू क्या हो रही है, यहां पर तुरंत बाद तुरंत यहां पर एक्सिलरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। यहां से अगर हम बात करें, ठीक है, एक्सीलरेशन इस पॉइंट पे तो 0 है, एक्सीलरेशन इस पॉइंट पे तो 0 है, ठीक है, तो जर्क इस पॉइंट पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जर्क क्या होगा, क्योंकि अगर ये साइन का कर्व है तो ये कॉस का कर्व बन जाएगा, ठीक है। अब ये किस तरह से बनेगा डायग्राम, ये इस तरह से कर्व बनेगी इसकी, ठीक है, थोड़ा सा इस तरीके से आएगा। समझने के क्या चीज है इसमें, इसमें जो इनफाइनाइट जर्क्स थे वो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यहां पर एक्सिलरेशन की वैल्यू क्या है, जैसे हमने पीछे देखा था पिछले लेक्चर में कि एक्सिलरेशन की वैल्यू, एक्सिलरेशन में कुछ ना कुछ इनफाइनाइट जर्क्स आ रहे थे यहां पर, लेकिन यहां पर क्या है, स्मूथ कर्व बन रही है, कैसी कर्व बन रही है, स्मूथ कर्व बन रही है, तो यहां पर फिर यहां पर देखा, ठीक है, अब यहां पर एक्सिलरेशन की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है, तो जर्क भी इधर की साइड आ गया, ठीक है, फिर यहां पर कुछ नहीं है, ओके, तो इस तरीके से यहां पर मतलब कोई भी जर्क नहीं आ रहा है, इनफाइनाइट जर्क्स नहीं आ रहे हैं, जर्क तो आ रहा है लेकिन स्मूथ कर्व बन रही है, कोई भी एब्रप्ट चेंज कहीं भी नहीं आ रहा है, बस थोड़ा सा यहां पर आ रहा है, हल्का सा यहां आ रहा है, लेकिन पहले जो हमने पढ़ा था काफी ज्यादा उसमें इनफाइनाइट जर्क्स आ रहे थे, इसलिए ये जो सबसे मोस्ट आइडियल प्रोग्राम माना गया है फॉर हाई स्पीड फॉलोअर मोशन, तो ये मोस्ट आइडियल है, ये आपसे पूछ सकते हैं, और एग्जाम में बहुत बार आया है कि सबसे ज्यादा आइडियल कौन सा है, रीजन भी आप बता सकते हो, क्योंकि यहां पर जर्क नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, जर्क, अगर जर्क में आपको थोड़ी बहुत ही कंफ्यूजन है तो अभी हमने एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल ली यहां पर, तो अगर आप जर्क निकालेंगे तो इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दीजिए, अगर आपको जर्क की कर्व में प्रॉब्लम है तो आप वो उसको भी निकाल सकते हैं, वही सेम है, लेकिन एक तरह से कर्व बन रही है, ये नहीं कि तुरंत के बाद एकदम से यहां पर एक्सेलरेशन, जैसे हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ा था कि वहां पर एकदम से एब्रप्ट जर्क आ रहा था इन्फाइनाइट, ऐसा नहीं हो रहा यहां पर, ठीक है, तो इसलिए ये सबसे ज्यादा आइडियल है, इसलिए इसको हम हाई स्पीड फॉलोअर मोशन में यूज करते हैं। तो लेक्चर सुनने के लिए धन्यवाद।